नमस्कार। यदि आप बेरोज़गार हैं और नए रोज़गार के तलाश में हैं, या आप किसी भी चिट फंड कंपनी का CSP चलाते हैं और आप चाहते हैं कि मुझे किसी RBI से रजिस्टर्ड बैंक की CSP मिल जाए, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। साथियों, मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं जो APS से पैसा निकासी का काम करती हैं, लेकिन साथियों, जिस कंपनी के बारे में मैं बता रहा हूँ, इस कंपनी के में अकाउंट भी ओपन होता है, ATM से भी पैसा निकलता है, आधार से भी पैसा निकलता है, मनी ट्रांसफ़र भी होता है, कैश डिपॉजिट भी होता है, बिल पेमेंट भी होता है, बैलेंस इंक्वायरी भी हो जाती है, बहुत सारी सुविधाएं इसमें हैं। और सबसे बड़ी खास बात कि यह RBI से रजिस्टर्ड बैंक है, तुरंत उसमें ATM भी ग्राहक को उपलब्ध हो जाता है। तो इसके बारे में जानकारी चाहिए आपको, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। ये सामने साथियों आपको जो डिस्प्ले पर दिख रहा है, ये फिनो पेमेंट बैंक की जब CSP ID लेंगे आप, तो या अकाउंट खोलेंगे, तो इस टाइप का ही आपको एक स्क्रीनशॉट मिलता है। इसे आप पासबुक भी कर सकते हैं। इसमें जो है आप देख सकते हैं कि कुछ चीज़ें हैं, मैं इसको बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ क्या चीज़ें हैं। आपके सामने यहाँ जो दिख रहा है, यह ग्राहक का फ़ोटो है। जो भी CSP लेगा या अकाउंट खोलेगा, उसका यहाँ पर फ़ोटो रहेगा, यहाँ पर उसका नाम रहता है, उसके नीचे उसका मोबाइल नंबर आता है, और इसके नीचे mail ID भी उसकी रहती है, लेकिन यहाँ पर new CSP 1500 में लिखा हुआ तो ढंग गया है। और अगर हम आगे चलें तो अकाउंट नंबर आपका यहाँ पर आता है, जो अकाउंट नंबर यहाँ दिखा रहा है। customer ID जो है आपका, जो ID संख्या होती है, जो BC हैं उनको ID से खोलने का काम में आता है, वो यहाँ पर होता है। उनके अकाउंट कितने से, वो अकाउंट जीरो बैलेंस ओपन किए हैं वो यहाँ पर दिखाता है, और एलेवल कितना बैलेंस हो यहाँ पर दिखाता है। तो जो भी लोग फिनो पेमेंट बैंक के CSP लेंगे, eKYC होने के बाद ये पेज ओपन होकर के आता है। अगर कहीं पर भी आप CSP ले रहे हैं और eKYC नहीं हुआ, यानी आपका अंगूठा नहीं लगा और ID बन गई, तो उसे आप कहीं ना कहीं फ्रॉड समझिए, वो गलत तरीका है। तो बिना अंगूठा लगाए ID नहीं बनती है। मैं थोड़ा बताऊं आपको फिनो पेमेंट बैंक के बारे में। अब देखिए, मैं थोड़ा सा फिनो पेमेंट बैंक के बारे में बता रहा हूं आपको कि फिनो पेमेंट बैंक काम कैसे करती है और क्या इसमें सुविधाएं हैं। देख सकते हैं यहां पर हेडिंग लिखा गया है, फिनो पेमेंट बैंक APS एंड ATM सर्विस। इसके बारे में जानकारी आपको मैं बता दूँ कि पैसा ID मिलने के बाद लगता है, यानी आप ऐसा नहीं है कि आप ID बनवाने के पहले ही पैसा कोई आपसे ले लें और आपको बाद में घुमाता रहे गोल गोल, ऐसी बात नहीं है। जब आपकी ID बन जाएगी, जो मैंने स्क्रीन दिखाया है आपको यहाँ पर, तो देखिए मैंने यहाँ पर स्क्रीन दिखा रहा हूँ, इस टाइप का आपको अकाउंट नंबर मिल जाता है, उसके बाद ही आपको जो है किसी को पेमेंट करना है पैसा, उसे पेमेंट आपको नहीं करना है। टुडे ऑफर बहुत ही कम दाम में, यानी 1500 रुपये में CSP मिल जा रही है। इसके अलावा अगर ग्रुप में CSP ले रहे हैं तो कुछ और भी यहाँ पर कम होने के चांसेस रहते हैं। सभी दिन सेटलमेंट व IMPS और NEFT की व्यवस्था है, चाहे संडे मंडे ट्यूसडे कोई भी दिन हो, आप पैसा अपने खाते में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ZSecond, अगर उदाहरण से आपने किसी का 10,000 रुपये निकाला, तो 10,000 रुपये जो भी आपका कमीशन के साथ पैसा आया, उस पैसे को तुरंत आप अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करके पैसे को निकाल सकते हैं। दिन भर में 10 बार करिए, 20 बार करिए, उसका कोई अलग से चार्ज नहीं लगता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि सर्विसेज की, क्या क्या सर्विसेज इसमें हैं, तो सर्विसेज मान के चलिए कि इसमें जो है अकाउंट ओपनिंग जीरो बैलेंस से भी है, इसके अलावा करंट अकाउंट भी है, बचत खाता भी है जो जनरली 1000 से खुलता है, वो भी व्यवस्था है। तो अकाउंट के जो टाइप्स हैं वो यहाँ पर सभी टाइप के अकाउंट उपलब्ध हैं आपको। इसके अलावा जो है आप कैश विड्रॉल कर सकते हैं, यानी किसी का पैसा निकाल सकते हैं, कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। इसके अलावा भी जो सर्विसेज हैं उसको मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। कैश डिपॉजिट के बाद जो है बैलेंस इंक्वायरी, किसी का बैलेंस चेक कर सकते हैं, ATM से भी, APS से, दोनों से। बहुत सारे कंपनियों में केवल अंगूठा लगा करके APS से बैलेंस इंक्वायरी होती है, ATM से नहीं होती है, लेकिन इसमें ATM से भी बैलेंस इंक्वायरी करने की व्यवस्था है। मनी ट्रांसफ़र, यानी किसी को पैसा आप भेज सकते हैं,
उसमें भी बहुत कम चार्ज है। उदाहरण के तौर पर किसी का आप अगर भेजते हैं 1,000 रुपया तो आपको 10 रुपया कमीशन मिलेगा, जिसमें 4.5 रुपया आपको वापस मिल जाएगा, 5.5 रुपया कंपनी काट लेगी। मोबाइल रिचार्ज ऑल टाइप के हैं, डिटेल रिचार्ज भी हैं और बिल पेमेंट भी है। बिल पेमेंट जैसे बिजली का बिल वगैरह हुआ उस टाइप का चीज़ पेमेंट भी होता है। कमीशन फॉर अगर कमीशन की अगर बात करें तो मैं कमीशन अभी ATM के बारे में बता रहा हूँ, APS का मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। मैं अगले वीडियो में आपको APS के बारे में पूरा बता दूँगा। ATM का अगर बात करें या शॉर्टली मैं बता देता हूँ कि कितना मिलता है कमीशन APS और ATM से। उदाहरण तो किसी का 100 रुपया निकालते हैं तो 20 पैसा मिलता है आपको ATM से, और आधार से पैसा निकालते हैं तो आपको 18 पैसा ही मिलता है। 500 निकालते हैं तो 1 रुपया मिलता है ATM से और APS से केवल 84 पैसा ही मिलता है। 1,000 निकालते हैं तो आपको मिलता है 2 रुपया ATM से और आधार से 1.80 रुपया ही मिलता है। 5,000 निकालते हैं अगर आप ATM से तो आपको 10 रुपया मिलता है, अगर APS यानी अंगूठा लगा निकालते हैं तो 6 रुपया ही मिलेगा। 10,000 निकालते हैं तो भी आपको 10 रुपया ही मिलेगा ATM से, और APS से आपको जो है 6 रुपया ही मिलेगा। जो भी रिचार्ज करेंगे 1.5% से लेकर के 4% के बीच में आपका जो है रिचार्ज का रेट है। ID लेने के लिए डॉक्यूमेंटेशन की अगर बात करें तो आधार कार्ड और पैन कार्ड ही लगता है, इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट इसमें नहीं लगते हैं। सबसे बड़ी बात रहेगी कि इसमें जो भी ID बनती है वही KYC के माध्यम से खुलती है, चाहे अकाउंट ओपनिंग हुआ या फिर BC ID बनते लेते हैं तो भी आपको KYC कराना ही है। बिना KYC के अगर आपको कोई ID खोल रहा है तो फ्रॉड है। अगर आपको ID लेनी है या कुछ जानना है तो हमारे इस नंबर पर 97-95-0750 पर कॉल करिए या व्हाट्सअप करिए। जो हमें ग्रुप में प्रचार करते रहता हूँ लेकिन वहाँ पर जो है कोई रिप्लाई आपको नहीं मिलेगा। ज़्यादा जानकारी चाहिए आपको तो ये मेरा वीडियो है, आप इसे टाइप करके देख सकते हैं आप अपने YouTube पर। साथियों इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और अपने मित्रों में शेयर भी करिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथियों नमस्कार।